23। आज का ब्लॉग है ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। फादर्स डे को गुजरे हुए तकरीबन अभी कोई 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं मेरे ख्याल से। आज फादर्स डे की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ज़िडान ने मुझे दिया है दोपहर को सरप्राइज। है बेसिकली सरप्राइज था कि वो ज़ारा ने और ज़िडान ने मिलकर जो एक सरप्राइज प्लान किया था फादर्स डे पे मेरे लिए, तो उसकी ज़ारा ने ही वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो अभी मैं इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रही वीडियो। दीजो हम कहाँ जा रहे हैं? हम चलो इसको जल्दी से डालो इस बैग में, सामान को डालो, चलो इसको रखो बैग में। रखो रखो दूसरा वाला भी रखो। यस ऑफिस में गया पैक। चलो कार्ड भी उठाओ चले। ये देख ले भाई जो पहले जिस पर बहुत मेहनत हुई। कब बनाया? कब बनाया? अभी भी बनाया। ये बोलो। ये बिल्कुल अभी अभी आया। मैं अभी ज़ारा को कह रहा था कि ये खत्म हो गया है। ये रखा हुआ ऑलरेडी लेकिन ये खत्म हो गया, तो अभी आपने नया वाला दे दिया ना मुझे। थैंक यू सो मच जीरो, ये तो जबरदस्त है। हाँ मैं फ्रेंड्स का बहुत बड़ा फैन, तो ये जीरो को भी पता है। और ये पुराने यही जबरदस्त है जीरो। ये है भाई वो कार्ड जो जीजो ने मुझे बना के दिया है। ये लिखा हुआ है भाई 1 बेस्ट अवार्ड फॉर अब्बा। आई थिंक ये नंबर 1 लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं नंबर 1 ही लिखा हुआ है। अच्छा भाई हैप्पी फादर्स डे। ये जीजो इस वक्त 1 साल का भी नहीं हुआ था। आई लव यू अब्बा। यार क्या कोई खूबसूरत कार्ड है। अब्बा यू आर माई सुपर हीरो, आई लव यू जीजो। जी भाई कैसा लगा आपको ज़िडान का सरप्राइज? मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि उस वक्त मैं बैठा था ना काम कर रहा होता ऑफिस में, दोपहर का टाइम है ना मेरा ऑफिस का होता है और मैं ऑफिस के अंदर ही होता हूँ। अच्छा फादर्स डे से रिलेटेड सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक मेमोरीज होती है, मेरी भी अपनी अलग एक मेमोरी है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है 2020 के अंदर, उनकी डेथ हुई थी। यहाँ मैं कई पिक्चर्स लगा दूंगा अपनी फादर के साथ, क्योंकि बड़े मेमोरेबल टाइम अब्बू के साथ जो मेरा गुजरा है। पापा कहते थे उनको, मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है, मेरा भाई दूसरे शहर में रहता है क्वेटा में। तो पापा के साथ मेरा रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट था। नॉर्मली लोगों का रिलेशन होता है कि यार वो अब से डर रहे होते हैं और कोई बात नहीं कर रहे होते हैं खुल के। मैंने जब अपना फोटोग्राफी वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा था, जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, उसके अंदर भी अब्बू की बहुत सारी चीजें होती थी जिसके अंदर मैं अब्बू से डिस्कस करता था और पापा बहुत हेल्प करते थे मेरी। बस सारी बातें याद आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ना
जो मैं ये सिंगिंग करता था ना, ये मैं जितने भी गाने वाने गाता था, पापा को इतने अच्छे लगते थे यार ये, मतलब बोलते नहीं थे मुझसे, लेकिन ना मुझे फील हो जाता था कि नहीं यार पापा को अच्छा लग रहा है। मुझे याद है एक दफा जहाँ अबू की जॉब थी, उनका एक एनुअल फंक्शन था, तो वहां पर वो लाइव म्यूजिक का कोई हिसाब किताब, वहां पर कोई लाइव म्यूजिक भी हो रहा था, कीबोर्ड्स वगैरह लगाए हुए थे, और मुझे याद है कि सिर्फ पापा, मैं और मम्मी, मतलब जो मेरी अम्मी है उनको मम्मी कहते हैं और उनको अब्बू को पापा कहते हैं, तो सिर्फ हम तीनों गए थे। हुआ ये कि वहां पर जब वो म्यूजिक हो रहा था, तो उसमें उन लोगों ने अचानक से ना एक कॉम्पिटिशन अनाउंस कर दिया कि यार ये एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, म्यूजिकल कॉम्पिटिशन है कि भाई गाना गाना है आपने, और जो जीतेगा ना उसको प्राइज मिलेगी। तो मैंने कहा यार चलो लेट्स सी। अब वो बेसिकली कोई सिंगर्स तो नहीं थे सारे के सारे, ना मैंने मम्मी को बताया ना मैंने पापा को बताया, मैं बस जाकर मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ना गाना गाना है, ये भी पार्ट लेना है इसके अंदर। उन्होंने बोला जी प्लीज आप आए और गाएं गाना। जब मैं गाना गा रहा था तो अम्मी अबू देख रहे थे ना मुझे कि यार ये देखो गाना गा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो अच्छा लगेगा पापा को, कि यार मैं किसी भी चीज के अंदर अगर हिस्सा ले रहा हूँ, चाहे वो गाना ही क्यों ना हो, म्यूजिक से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो। तो फिर पापा ने वो देखा मैंने गाना गाया और जब मैं जीत गया, तो मुझे याद है मम्मी मुझे बता रही थी, जब उन लोगों ने मुझे प्राइज वगैरह दिया ना, तो ना पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। तो बड़ा मिस करते हैं आप अपने फादर को, जब इस तरह के दिन आते हैं, फादर्स डे हो गया या अब्बू की सालगिरह आती है जिस दिन, या जिस दिन अब्बू की बरसी आती है, उनकी बड़ी याद आती है। मुझसे तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे पापा, क्रिकेट पर बड़ी बहस चलती थी हमारी, क्रिकेट पर बहुत बात करते थे हम। मिसबा अलग नहीं पसंद था उनको कहते थे यार वो मिसबा अलग ना टुक टुक करता रहता है, मुझे उसकी स्ट्रैटेजीज पसंद थी। तो ये नहीं था बड़ी विन विन सिचुएशन के ऊपर सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोग लड़ते भी थे, इख्तलाफात भी थे बहुत सारी बातों में। और फिर याद है मुझे जब मैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के अंदर गया था, और फिर जब उसके गाने आए थे, ओ अब्बू ने देखा, ऑब्वियस ही बात है मेरा यहाँ पर आईब्रो पे मैंने कट लगवा लिया था, क्योंकि वो बस ऐसी रॉक स्टार बनने के चक्कर में यहाँ पर आईब्रोज पे कट लगवा लिया था। तो अब्बू ने देखा, अब्बू कह रहे यार ये तुमने क्या किया तो मैंने कहा यार ये बस मैंने ऐसी बस कुछ ट्राई करने की कोशिश करी थी। फिर जब उन्होंने पेप्सी के गाने देखे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार तुम सही गा लेते हो, मतलब सही आवाज है तुम्हारी। बड़ा मिस करता हूँ मैं उनको अभी भी, और जिंदगी भर करता रहूंगा। अल्लाह ताला हमारे वालदैन का साया जिंदगी भर हमारे सर पे रखे, और बस उनको लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे, आमीन। अगर आपके वालदैन हैं तो उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत करें, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो और करें, क्योंकि यार जितनी भी मोहब्बत कर लेना आप अपने माँ बाप को वो कम है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ आपको, या मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना है आपने, और ऐसा मेरा मानना है आप लोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उनके अच्छे से दोस्त बन जाएं, वो सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, क्योंकि उनसे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका बाप होता है ना वो आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देगा। बस याद आती है यार अब्बू की बहुत ज्यादा। बस मैंने कहा मेरे दिल की बात थी, और इस तरह से फादर्स डे के ऊपर वीडियो बना रहा था मैं, तो मेरे पास तो मेरे अब्बू के अलावा कुछ और शेयर करने के लिए नहीं है, मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ अभी भी। चले मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।